नमस्कार मित्रों, मीरा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे भारतीय राजव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्थानीय स्वशासन के बारे में। आजकल की कई प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर स्थानीय स्वशासन को लेकर के विभिन्न प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप स्थानीय स्वशासन टॉपिक में से जितने प्रकार के सवाल भी पूछे जाएंगे आसानी से सोल्व कर सकेंगे। भारतीय राजव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्थानीय स्वशासन, इसकी शुरुआत करेंगे। राज्य स्तर से लेकर के सेंट्रल लेवल की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे कई सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है भाषा के अंदर कि ये टॉपिक एवरग्रीन टॉपिक कहलाता है या सदाबहार टॉपिक कहलाता है। तो हम शुरुआत करेंगे भारतीय राजव्यवस्था के खास टॉपिक की, और टॉपिक का नाम है स्थानीय स्वशासन। राजव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्थानीय स्वशासन। जैसा कि आप सबको दिख रहा है कि ये अपने शाब्दिक अर्थ से ही महसूस करवा रहा है कि स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है। साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे कि स्थानीय स्वशासन है क्या। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है निचले स्तर पर जनता को शासन का भागीदार बना करके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को सुनिश्चित करना। निचले स्तर पर, निम्न स्तर पर जो शासन है, शासन का प्रकार है, उसमें जनता को सीधे उस शासन में भागीदार बनाना और भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को सुनिश्चित करना ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। हमारा देश जब भी आज़ाद हुआ, आज़ादी के समय महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की अवधारणा दी थी, और महात्मा गांधी की इसी ग्राम स्वराज्य की अवधारणा का समर्थन करते हुए हमारे प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले भारत में उनकी अवधारणा को समर्थन करते हुए पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की। सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत में यदि हम देखें तो पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। उसके बाद में भारत में एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम चलाया गया, और उस कार्यक्रम से ये आशा की गई कि भारत की जनता इस कार्यक्रम से जुड़े और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भारत में हो और जन सहभागिता को बढ़ाया जाए। आर्थिक स्तर के लेवल पर भी जनता इस कार्यक्रम से जुड़े और शासन में जनता ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभाएं। उसके लिए भारत में सबसे पहले इनकी स्थानीय स्वशासन के लिए गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को विकसित करने के लिए सबसे पहले पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई। पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय, ध्यान रखिएगा साथियों, पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्रालय, ये स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को शुरू करने का सबसे पहला प्रयास था भारत की सरकार की ओर से। उसके बाद में हमारी सरकार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1952 को भारत में एक बहुत ही बड़े कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम साथियों, 1952 तक भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1952 को जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की, इस कार्यक्रम को शुरू किया, इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि जनता की जो जन सहभागिता है वो ज़्यादा से ज़्यादा शासन में बढ़े, और निचले स्तर पर भारत की जो जनता है वो अपना समस्याओं का सोल्यूशन खुद करें, उनको जानकारी मिले, और वो शासन में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका अदा करके, भागीदारी अदा करके, भारत में या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी शक्तियों का या सत्ता का हस्तांतरण निम्न स्तर के लोगों के हाथों में भी होना चाहिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इसी अवधारणा को साकार करने के लिए स्थानीय स्वशासन में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इस सवाल को पूछा गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम से ये आशा की गई थी कि भारत की जनता सीधे शासन से जुड़ें, अपनी समस्याओं का सोल्यूशन निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा जन सहभागिता इस कार्यक्रम में रहें। लेकिन ये कार्यक्रम आशा अनुरूप काम नहीं कर पाया और सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल रहा।
जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल रहा तो उसके बाद में भारत में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को मजबूत करने के लिए और पंचायती राज का विकास करने के लिए हमारी सरकार ने समय समय पर विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई और आखिरकार उन समितियों की संस्तुतियों के बाद में हमने पंचायती राज की स्थापना की, पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया, स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाया और भारत में संवैधानिक आधार किस तरीके से प्रदान किया इसके लिए हम आगे के वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो पंचायती राज विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा समय समय पर जिन समितियों की स्थापना की गई है उसको हम देखेंगे, उसमें से काफ़ी सवाल उठने की संभावना बनी रहती है। पंचायती राज के विकास के लिए बनी हुई प्रमुख समितियां, पंचायती राज विकास हेतु बनाई गई प्रमुख समितियां किस समिति की स्थापना की, उसकी अध्यक्षता किसने की और उस समिति की प्रमुख सिफारिश क्या थी, ये हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले भारत में पंचायती राज के विकास के लिए जिस समिति की स्थापना की गई थी वह पहली समिति थी बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में की गई थी। 1957 के अंदर बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई। बलवंत राय मेहता भारत में पंचायती राज के वास्तुकार और शिल्पी के नाम से जाने जाते हैं। ये सवाल भी कई बार परीक्षा में आता है, पंचायती राज के वास्तुकार और शिल्पी किन को कहा जाता है। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का वास्तुकार और शिल्पी के नाम से जाना जाता है। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की और इसी समिति ने अपनी संस्तुति अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि भारत में पंचायती राज का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय होना चाहिए। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे की संस्तुति की। कई बार परीक्षा में सवाल आता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचे की संस्तुति सबसे पहले भारत में किसने की, बलवंत राय मेहता समिति ने। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, पंचायत समिति होनी चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। यानी कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये त्रिस्तरीय जो ढांचा दिया था सबसे पहले भारत में बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था 1957 में, जिसकी स्थापना की। इस समिति की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार ने इसकी संस्तुति को माना और सबसे पहले राजस्थान के बगदरी गाँव जो नागौर जिले में स्थित है, और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज की शुरुआत की गई, पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा साथियों, राजस्थान जीके की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति के आधार पर नागौर जिले के बगदरी गांव से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का उद्घाटन किया, जबकि प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अंदर पंचायती राज की शुरुआत की गई। तो इसमें हमने पढ़ा बलवंत राय मेहता समिति के बारे में, उन्होंने त्रिस्तरीय ढांचे की संकल्पना प्रस्तुत की, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर के बगदरी गांव के अंदर पंचायती राज का उद्घाटन महामहिम प्रधानमंत्री तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। उसके बाद में पंचायती राज के विकास के लिए जो खास समिति है उसका हम पढ़ेंगे, दूसरे नंबर की समिति के बारे में। भारत में पंचायती राज के विकास के लिए जिन जिन समितियों का निर्माण किया गया उन समितियों ने अपनी संस्तुति अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की और उस समिति की रिपोर्ट या संस्तुति के आधार पर भारत सरकार ने आगे चल करके पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया। जो वर्तमान भारत के अंदर हम स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज की व्यवस्था देख रहे हैं वो समय समय अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की समितियों की संस्तुतियों का ही परिणाम है। उसके बाद में नंबर 2 पर जो समिति बनी थी पंचायती राज के विकास के लिए वो बनी थी 1977 के अंदर अशोक मेहता समिति, बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है यह अशोक मेहता समिति। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको लेकर के सवाल पूछा जाता है। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी
अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, इन दोनों समितियों में विरोधाभास ये है। जहां बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचे की संकल्पना प्रस्तुत की थी, वहीं अशोक मेहता समिति ने इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसने भारत में द्विस्तरीय यानी कि दो स्तर के पंचायती राज ढांचा होना चाहिए, इस बात की संस्तुति भारत सरकार से की, द्विस्तरीय ढांचा। ये सबसे बड़ा अंतर है बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति में। ध्यान रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी, जिसने द्विस्तरीय ढांचे की संकल्पना या संस्तुति या रिपोर्ट भारत सरकार को दी। जबकि इससे पहले हम जो बलवंत राय मेहता समिति पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, उसने भारत सरकार को त्रिस्तरीय यानी कि तीन स्तर पर पंचायती राज का ढांचा होना चाहिए, इसने दो स्तरीय दी। इन्होंने कहा कि जिला लेवल पर जिला परिषद होनी चाहिए और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत होनी चाहिए। जिला परिषद और मंडल पंचायत, ये दो स्तर पंचायती राज के होने चाहिए, यानी द्विस्तरीय ढांचा होना चाहिए। तो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से पंचायती राज के विकास हेतु बनी हुई किस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज ढांचे की संकल्पना संस्तुति या रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की थी। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 1977 के अंदर बनी अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय ढांचा की संकल्पना प्रस्तुत की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद में साथियों, तीसरे नंबर की जो कमेटी या समिति भारत सरकार ने बनाई थी पंचायती राज के विकास के लिए, वो कमेटी थी जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति का गठन 1985 में किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1986 में भारत सरकार को प्रस्तुत की, जीवी के राव समिति। यह भी बहुत महत्वपूर्ण समिति है पंचायती राज के विकास के लिए। उसके बाद में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, नंबर चार पर पंचायती राज के विकास के लिए भारत सरकार ने 1986 के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति का गठन किया, वो थी एल एम सिंघवी समिति। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का गठन भारत सरकार ने 1986 में किया। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986 में भारत सरकार ने इसका गठन किया, एल एम सिंघवी समिति। उसके बाद में नंबर पाँच पर जिस समिति का गठन किया गया था वो 1988 की बात है। 1988 के अंदर भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति का गठन किया, उस समिति का नाम था पी के थुंगन समिति। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है पी के थुंगन समिति। मीरा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपको प्रत्येक टॉपिक के अंदर कुछ ऐसी जानकारियां प्रोवाइड की जाएगी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां जहां पर भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के अंदर जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, उन बातों की चर्चा यहां पर उपलब्ध रहेगी। और आने वाले समय में जो निकट भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित की जाएगी, उनमें भी कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना रहती है, उनकी चर्चा भी हम इसमें करेंगे। क्योंकि पढ़ाने का मतलब होता है चर्चा करना, विश्लेषण करना, समझदारी बढ़ाना और परीक्षा के अंदर आंसर को सही करना, एग्जैक्ट करना और अभ्यर्थियों को चयन करवाना, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। 1988 में पी के थुंगन समिति का गठन किया भारत सरकार ने। यहाँ बहुत ही एक गूढ़ जानकारी प्राप्त होगी आपको, अधिकांश टीचर यहाँ चूक जाते हैं, और एक बहुत ही रोचक जानकारी है। 1988 में भारत सरकार ने जिस पी के थुंगन समिति का गठन किया था, इसने अपनी दो बातें प्रदान करी थी। पी के थुंगन समिति ने सबसे पहले भारत सरकार को ये बताया कि भारत में आप जिस पंचायती राज की परिकल्पना कर रहे हैं स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की, उसका संबंध केंद्र सरकार से होना चाहिए, केंद्र सरकार से उसका संबंध होना चाहिए या संघ सरकार से होना चाहिए। पी के थुंगन समिति ने यह कहा कि पंचायती राज का संबंध केंद्र सरकार के होना चाहिए, इसका ढांचा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होना चाहिए। वर्तमान भारत के अंदर पंचायती राज राज्य सूची का विषय है और इस पर सामान्यतया या साधारणतया कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों का है। लेकिन पी के थुंगन समिति ने अपनी जो सिफारिश की थी, उसमें बताया कि पंचायती राज का संबंध किसके पास में होना चाहिए, केंद्र सरकार के पास में। इसलिए इसको लेकर के परीक्षा में कई बार सवाल पूछा जाता है। एक तो ये सवाल
कि किस समिति ने पंचायती राज के ढांचे का संबंध केंद्र सरकार के पास रखने के लिए कहा था, पीके थुंगन समिति। और इससे पहले पहला एक सवाल हम चर्चा कर चुके हैं कि द्विस्तरीय ढांचा किसने बताया, द्विस्तरीय ढांचा अशोक मेहता समिति ने, जबकि त्रिस्तरीय ढांचा किसने बताया, बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 के अंदर बनी थी। ये विभिन्न प्रकार के तीन सवाल हमने इसमें एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, चर्चा की। तो ये तो इसकी पहली बात थी, पीके थुंगन समिति की पहली बात कि पंचायती राज का संबंध केंद्र सरकार से होना चाहिए, संघ सरकार से होना चाहिए, जबकि इस बात को माना नहीं, क्योंकि अभी ये पंचायती राज का विषय राज्य सूची से जुड़ा हुआ है, जिस पर साधारणतया राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि भारत सरकार को यदि पंचायती राज की अवधारणा को मजबूत करना है तो इसे संवैधानिक आधार देना चाहिए, यानी पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान करने की संकल्पना, पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान करने की जो संकल्पना थी वो भी पी के थुंगन समिति ने की थी। ये थी 1988 में गठित पी के थुंगन समिति। उसके बाद में नंबर 6 की जो समिति है मिर्दा समिति, मिर्दा समिति की स्थापना 1991 में की थी। इस समिति ने भी इस समिति के द्वारा दी गई बातों को दोहराया कि महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए, उसके अलावा इन्हें संवैधानिक आधार भी प्रदान किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों को भारत सरकार ने आखिरकार माना और पंचायती राज के विकास के लिए भारतीय संविधान में एक बहुत ही बड़ा संविधान संशोधन किया, उसे भारत के इतिहास में या पॉलिटिकल व्यवस्था के अंदर हम लोग 73वां संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। सभी समितियों की सिफारिश के बाद आखिरकार पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संवैधानिक संशोधन किया। याद रखेगा मित्रों, 73वां संवैधानिक संशोधन ये पंचायती राज की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, यानी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किया गया। इससे पहले कि पंचायती राज का जो शब्द है स्थानीय स्वशासन का, उसको 2 भागों में बांटा गया है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और नगरीय स्थानीय स्वशासन। यानी कि ग्रामीण या पंचायती राज या पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया। 73वां संविधान संशोधन दिसंबर 1992 में पारित किया गया, दिसंबर 1992 में इसको पारित किया गया, जबकि 73वें संविधान संशोधन को लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए कई बार अभ्यर्थियों के सामने यहाँ पर एक कंफ्यूज रहता है, जब आप कई प्रकार की गाइड पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो उसमें आपको लगता है कि कई किताबों में 73वें संविधान संशोधन के आगे 1992 लिखा हुआ है और कई किताब के अंदर इसमें 1993 लिखा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा सावधान रहिएगा, सारी डिटेल यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है। 73वां संविधान संशोधन दिसंबर 1992 में हमारी संसद ने पारित किया, जबकि 24 अप्रैल 1993 को इसे भारत में लागू किया गया, यानी कि ये 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ, इसलिए हम 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस 73वें संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया। 73वें संवैधानिक संशोधन 24 अप्रैल 1993 के माध्यम से। तो साथियों, आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हमने भारतीय राज व्यवस्था का एक सदाबहार टॉपिक, लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको लेकर के कई सवाल पूछे जाते हैं, 73वें संविधान संशोधन तक और पंचायती राज के विकास के लिए बनी हुई सभी समितियां, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्रालय, महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का या पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उनका समर्थन करना और विभिन्न समितियों की सिफारिश, उनकी खासियत और विशेषताएं, और आखिर में 73वां संवैधानिक संशोधन, इस वीडियो में हमने पढ़ा, जो प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। समय समय पर मीरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको ऐसे कई रोचक वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे, बने रहिएगा मास्टर भंवरलाल के साथ मीरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। ज़्यादा से ज़्यादा मीरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि समय समय पर हमारे द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।